अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टिच टॉक में आपको वेलकम है। आज मैं आपको नेक का और डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। आज मैं आपको चौरस जो है नेक का डिज़ाइन है वो बनाना बताऊँगी। ये हमने उसके लिए सबसे पहले चिप्स ली है। इसका गला हम 3.25 पे बनाएंगे। ये हमने चिप्स का सबसे पहले दरमियान कर लिया, वही हमने 8 इंच चिप्स लंबी और 8 इंच चौड़ी काटी है। इस पर हम इसका दरमियान बना के यूँ 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से इधर से 6.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे एक लंबाई पे। लंबाई हम इसकी 6.25 रख रहे हैं, चौड़ाई हम इसकी 3.25 रख रहे हैं। अब हम इधर से नाप के 2 इंच का इधर से और एक निशान लगाएंगे। अब इस 2 इंच के निशान को इस लंबाई वाले निशान के साथ हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर हम इसको ऊपर जो 3.25 का निशान लगाया था उसके साथ मिला देंगे। अगर इसको ये वाली लंबाई अगर यहाँ से थोड़ा सा और खुला करना है, ये हाफ चौरस बनेगा। अगर आपने फुल रखना है तो जितना इधर से रखा है हमने ऊपर से, उतना ही हम नीचे से भी करेंगे। अब हम इस गले को काट लेंगे। ये हमने काट लिया। अब हम खोल के देख लेते हैं कि आपका गला जो है वो नाप की कमीज के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके एक और जो है लाइन लगाई, हम उस पर भी इसको काट लेंगे। इस तरह से ये हमने अपना गला काट लिया। ये हम कपड़ा लेंगे और इसका हम दरमियान बना के गला जोड़ लेंगे। ये हमने इसका दरमियान बना लिया। दरमियान पे इस्त्री का निशान फेर के ये हम 3.25 इंची टेप से नाप के 3.25 का निशान एक इधर लगा लेंगे, एक हम 3.25 का निशान इधर लगा लेंगे। और इस पे हम यूँ गला जो इसकी शाइनिंग वाली साइड है वो हम नीचे को रखेंगे इस तरह से। पहले ये जगह जोड़ ली, फिर इधर से जोड़ लिया। इसके बाद हम इसके दरमियान को दरमियान के साथ जोड़ के बाकी सारे हिस्से पे इस्त्री फेर देंगे। इस तरह से ये हमारा गला जुड़ गया। अब इस पे सिर्फ सिलाई का मार्जिन रख के बाकी हमने सारा कपड़ा उतार देना है। इसको हम एक दफा फिर से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी चिप्स सही से जुड़ जाए।
अब हम इस गले को आपको शर्ट पे अटैच करना बता रहे हैं। यही हमने चिप्स का कपड़ा लेके इसको यू फोल्ड करके हम इसके इस जगह पे सिलाई फेर देंगे। तरह से हमने इसके पूरे सिलाई फेर दी। अब हम शर्ट लेंगे। शर्ट की फ्रंट साइड की जो सीधी साइड होगी वो हम अंदर को रखेंगे। और इसके ऊपर चिप्स हम इस तरह से रखेंगे और दरमियान की सिलाई लगा लेंगे, कच्चा कर लेंगे। दरमियान को दरमियान के साथ जोड़ना है। जोड़ के अब हम इधर साथ से चिप्स के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ख्याल रखिएगा कि चिप्स के ऊपर सिलाई ना आए, बिल्कुल उसके साथ साथ सिलाई लगती जाए। इस तरह से अब इसके जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे। और इसके ये जो नोके हैं यहाँ पे हम हल्का हल्का सा कट लगाएंगे ताकि हमारा गला अंदर को अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब ये गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको कच्चा कर लेंगे सिलाई से और बाद में हम इसकी तरपाई कर देंगे। ये देखें व्यूवर्स, मैंने आपको आज कितने आसान तरीके से चौरस गला बनाना बताया है।
अब हमने इसको कच्चा कर लिया है, नीचे से हम इसकी तरपाई कर लेंगे और ये हमारा गला बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।